हफ्ते का दिन है भाई, देखते हैं काम की क्या सूरत हाल रहने वाली है। पहली राइड जो है भाई मुझे मिल चुकी है करीब से ही। स्टॉक हो गया भाई ट्रैफिक में बहुत बुरी तरह से, देखो आप। ये राइड जो है भाई एंड हो चुकी है, वो एबिट के पास यहीं पे उतारा है अभी मैंने इनको। ठीक है, देखो ये वाला कीड़ा देखो, खाओ यार ये खाने के लिए। अच्छा ये कीड़ा भी सीख है, वरना हम क्या जाने क्या चीज है। चलो सही है सही है, अभी इसने मेरी ले ली। राइड जो है भाई हमें मिल गई है, यहीं करीब की राइड है, उठाते हैं। ये लोग भी जा रहे हैं, जुगाड़ी। एक दो तीन चार, ये 125 है, गधा गाड़ी है। अभी राइट ढूंढ रहा हूँ लेकिन राइट नहीं मिल रही यार यहाँ से रिटर्न की। ये देखो अभी नॉर्थ कराची की साइड पे खड़ा हूँ, रिटर्न की राइड ही नहीं मिल रही। लगता है यहाँ पर कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हुआ है और पुलिस भी आई हुई है, देख रहे हो। ये देखो गाड़ी पूरी ख़त्म हो चुकी है भाई, गाड़ी की हालत चेक करो भाई, ओवर स्पीडिंग कर रहे थे देखो। अभी बताता हूँ कि कितना कमाया आज, कितना फ्यूल लगा, कितनी गाड़ी चली, वो सब बताता हूँ। बाकी ये रहा भाई आज की कमाई सारी, ठीक है। Assalamualaikum friends, welcome back to the brand new vlog. So friends, last vlog में आप लोगों ने देखा होगा भाई कि मैं सुबह लगभग 5 बजे 5:30 बजे के टाइम पे घर पहुंचा था, और अभी दोबारा निकलने की तैयारी है। गाड़ी वाड़ी रेडी हो गई है बिल्कुल, कपड़ा वपड़ा लगा दिया, ऑयल पानी चेक कर लिया, गाड़ी वाड़ी बिल्कुल रेडी है। अभी देख रहे हो 5 बज रहे हैं, क्योंकि 3 बजे तो मैं सो के उठाऊँ और फिर तैयार व्यार होने में लग गया टाइम, और कुछ इसको साफ वाफ करने में लग गया टाइम। हफ्ते का दिन है भाई, देखते हैं काम की क्या सूरत हाल रहने वाली है। बाकी सीन ऐसा है भाई, अभी एक बंदा दिखाता हूँ तुम्हें, देखा तो होगा तुमने व्लॉग में पहले भी मेरे साथ। खैर अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाला बंदा पहले कभी देखा है? अगर नहीं देखा तो दिखाता हूँ मैं अभी। तो मैं ये देख, ये रही ये रही, ये बंदा ये अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार के बैठा हुआ है। अच्छी खासी जॉब लगी हुई थी इसकी, अल्पाइन में कंपनी में फुल एयर कंडीशन माहौल में ये जॉब करता था, बेहतरीन जॉब लगी हुई थी। इसके अंदर पता नहीं कौन सा कीड़ा काटा, इसने बोला भाई ये जॉब करनी नहीं है, छुट्टियां मारना शुरू कर दी इसने, उन्होंने निकाल दिया। अब क्या काम कर रहे हैं भाई? लोडिंग का कर रहे हैं अभी, ये रोडों पे लोडिंग का काम कर रहे हैं, गाड़ियां लोड और अनलोड करते हैं, दर बदर घूम रहे हैं। अब जॉब मिल रही है? नहीं अब जहाँ बात थी वो पहली का बोला, अभी 2 दिन है अभी फिलहाल, अब जॉब्स मिल ही नहीं रही भाई। वजह ये है जॉब्स है ही नहीं मार्केट में, अच्छे अच्छे लड़के जो है घूम रहे हैं इधर उधर, दर बदर घूम रहे हैं, जॉब्स नहीं मिल रही, जो डिग्रियाँ लेके करने के लिए निकले। और इन साहब को अच्छी खासी जॉब लगी हुई थी पर इनको जो है ना इज्जत रास नहीं आई, तो ऐसे भी होते हैं कुछ अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाले। ये आप लोगों को इसलिए दिखाया है कि जो बंदा अपनी जॉब वॉब से बोर हो रहा है तो भाई बोर होने की ज़रूरत नहीं है, अभी जॉब्स वगैरह नहीं है। इसको देख लो, ये भी इसी तरह था पहले, पहले आता था दोपहर 2 बजे वापस घर आ जाता था, सुकून से घूम रहा होता था, फुटबॉल खेलता था, अब आता है 6-7 बजे 8 बजे लोडिंग अनलोडिंग के काम से। जो नौकरी को रोज़ी को लात मारता है फिर रोज़ी उसको इस तरह से लात मारती है, देख लो। चलो चलते हैं अभी ऑनलाइन होते हैं। ये रहा हमारा मोबाइल, ऑनलाइन हो जाते हैं और राइड पकड़ के निकलते हैं। वही लॉगिन जो है कर दिया हमने, ऑनलाइन हो जाते हैं अभी यहाँ से, ऑनलाइन भी हो गए। पहली राइड जो है भाई मुझे मिल चुकी है करीब से ही, सी सेक्टर से उठानी है, और चलते हैं भाई इनको ड्रॉप करने हैं हैबिट पे, तो शाराए फैसल पे टीपू सुल्तान रोड की साइड पे। तो चलते हैं अभी इनको ड्रॉप करते हैं, 700 रुपये का फेयर है इनका, सही अच्छा फेयर है, 8 किलोमीटर की राइड है। चलते हैं इनको ड्रॉप करते हैं पहले, और फिर वहाँ से और जो राइड है उठाऊँगा, फिर आपको अपडेट करता हूँ कि आज काम कैसा रहता है। हफ्ते का दिन है, उम्मीद है काम अच्छा हो, क्योंकि अमूमन हफ्ते वाले दिन पर जो है काम अच्छा होता है और ट्रैफिक भी कम होता है। यहाँ से जो है अभी हम कर देते हैं टेक को 0, पता लगेगी आज गाड़ी कितनी चली है, और एवरेज भी ये हमें 18:30 की दे रही है, तो अच्छी एवरेज दे रही है। अलॉय व्हील्स पे 50 की रेंज बता रहा है, 2 सेलें। पैसेंजर की लोकेशन पे जो है मैं पहुंच चुका हूँ, अब कर देंगे आई एम हेयर। नहीं भाई ठीक है, अब यहाँ से बस पैसेंजर का वेट कर रहा हूँ, आ रहे हैं तो इंतज़ार करते हैं।
स्टॉक हो गए भाई ट्रैफिक में बहुत बुरी तरह से। देखो आप, ये राइड जो है भाई एंड हो चुकी है, तो एबिट के पास यहीं पे उतारा है अभी मैंने इनको, ठीक है। तो एंड हो चुकी है राइड, 5 स्टार दे देते हैं इनको। ये पता नहीं देंगे यानी हमने दे दिए चले। बाकी 1000 का नोट दिया था, चेंज मैंने दे दिया। अभी यहाँ से राइड लेके निकलते हैं। यार ट्रैफिक इतना ज़्यादा था ना, क्या बताऊँ, ट्रैफिक में बहुत टाइम फंसा रहा, देखा होगा वीडियो में आप लोगों ने, तो ट्रैफिक में बहुत टाइम स्टक रहा मैं। खैर अभी राइड ढूंढते हैं, कोई अच्छी राइड मिले फिर निकलते हैं यहाँ से। 2000 का डाल दो। चेक लाइट आ गई थी भाई फ्यूल की, तो फ्यूल अप करवा देते हैं पहले। 0। ये कैप सही से बंद करना, ठीक है, कैप सही से। चलें भाई चलते हैं। से मैंने राइड पिक की थी मलीर कैंट की, और मलीर कैंट में उसको ड्रॉप करने के बाद जो है अभी यहाँ से राइड मिली है मलीर कैंट के पास ही फलकनाज डेंसिटी से DHA फेज 6 की। तो अभी चलते हैं इनको ड्रॉप करते हैं। मलीर कैंट जो मैंने ड्रॉप की थी राइड, उसका कुछ 1200 फेयर था, 1300 दिए थे उन्होंने, इनका कुछ 1500 के करीब फेयर है, 1475 रुपये। तो अभी चलते हैं इनको फेज 6 ड्रॉप करते हैं, ठीक है। 24 किलोमीटर की राइड है ये, तो चलते हैं फिर बताता हूँ क्या सीन है आगे का, ठीक है ना। फिलहाल यार बैठे बैठे भी जो है ना गाड़ी में हालत बुरी हो गई, ट्रैफिक इतना था ना यार शारे फैसल पे, ऐसा ट्रैफिक था, ऐसा ट्रैफिक क्या बताऊं भाई। सीन ऐसा है, काम अभी थोड़ा सा स्लो हो गया है क्योंकि 10:30 का टाइम हो चुका है, तो काम स्लो है। अभी सोचा काम थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं, साइड पे करते हैं, और हम जो है यहाँ रख देते हैं इसको। अभी मैं आ गया हूँ यार जमजम होटल, ये देख रहे हो जमजम, और ये बैठे हैं मेरे कज़न सारे, इन्होंने बुलाया अभी मुझे, करीब में ही था, 2-3 किलोमीटर की दूरी पे था, तो सोचा यार इनसे मिलता बचाऊं, क्योंकि फिर मिले ना मिले, एक आया है मलेशिया से, उससे मैं मिला नहीं हूँ, एक बार मिला हूँ जब आया था जिस दिन, उसके बाद अभी सिर्फ वो कर रहा हूँ। सलाम अलैकुम मलेशिया वाले, मलेशिया सलाम अलैकुम, ये इससे तो मिलते रहते हो, इसको छोड़ दो, सलाम सलाम। ये मलेशिया से आया भाई नोट वोट छाप के, ठीक है माशाल्लाह। कितने लेकर आया भाई? बस यार वो बताते नहीं, वैसे नहीं, FIA वाले आके घर से। अच्छा छुपा छुपा के काम कर रहे हो? मुझे दिए यूगो डाला, एक मुझे दिए, एक रंगीट दिए, एक नहीं 100 रंगीट दिए थे, झूठ बोल रहा है। एक तो उसमें एक ही निकला था, 0-0 वो जीरो अपने से डाल दो ना यार, 0 की क्या वैल्यू, 1000 कर दो, 3 डाल दो, 3-0 डाल दो। एक सिम भी लगा के दिए मुझे, सिम भी दिए, उसमें सिग्नल नहीं आ रहे, पैसे कमा रहे हैं ना। अच्छा टिकटॉक लाइव से पैसे कमा रहे, पैसे कमा रहे भाई आजकल, इनको फॉलो कर दो, चली नहीं रहा भाई, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा मेरा, तो नहीं चल रहा। क्या बोलते हैं पाकिस्तानियों के मसले ही नहीं खत्म होते हैं, मसले ही खत्म नहीं होते, यही तो मसले है ना। कहाँ वापस गरीबों में आ गए, मलेशिया में सही नहीं, थे नहीं भाई, पाकिस्तान पाकिस्तान मेरी जान है, ये बात नहीं है, मलेशिया तो पराया भाई, देख रहे हो अभी इसको फुल क्या हालत रही है भाई। जाना चाहिए मलेशिया, नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना, सिर्फ घूमने के लिए, घूमने के लिए, काम के लिए नहीं, काम के लिए। पाकिस्तान जो बंदा पाकिस्तान में पैसे नहीं कमाए ना, वर्ल्ड में कहीं भी नहीं कमा सकता। वाह ये बात है, ये अभी रोटियां पका पका के जो है ना वहाँ पर अभी इसकी हालत टाइट हो गई, अब नहीं जाएगा, ये कट करना चाहिए। क्या क्या काम किए इसने वहाँ पर, खैर बहुत मुश्किल जिंदगी है भाई बात की। अभी बैठते हैं यहाँ पर आधा पौना घंटा, उसके बाद निकलते हैं राइड वाइड ढूंढ के, ठीक है, फिर बताता हूँ। अभी कुछ मंगवा भी लेता हूँ, हल्का फुल्का कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं खाया है फिलहाल। तो यहाँ पर जमजम पे पराठे वराठे मिलेंगे, तो यहाँ से पराठे वराठे मंगवा के खाते हैं। फाइनली भाई पूरे 1.5 घंटा इंतजार करने के बाद पराठे और चाय आ गई है, हल्की फुल्की भूख के लिए, ये अभी ऑर्डर दिया है, तो ये 1.5 घंटा, अल्लाह को मानो यार, कितना टाइम हुआ है भाई, कितना टाइम हुआ, 1.5 घंटा तो हो गया, 1.5 घंटा हो गया ना, इतना ही हुआ है। ये देखो ये होटल इसने रेकमेंड किया ना, इसलिए ये थोड़ी तरफदारी कर रहा है, स्पेशल लच्छेदार पराठे। ये देखो ये वाला कीड़ा देखो, खाओ यार ये खाने के लिए। अच्छा ये कीड़ा भी से सीख गया, वरना हम क्या जाने किसने क्या चीज है। चलो सही है सही है, अभी इसने मेरी ले ली यहाँ पर, चलो भाई निकलते हैं ये खा के काम पे यार, बुरी ये तो जाके सो जाएंगे मजे से घर पे, फारिग लोग हैं हम, काम काज वाले लोग हैं, काम पे निकलेंगे। राइड जो है भाई हमें मिल गई है, यहीं करीब की राइड है, उठाते हैं। ये लोग भी जा रहे हैं, जा रहे हो भाई मलेशिया वाले जा रहे हैं, इतनी जल्दी यार, ठीक है भाई
एक ही बाइक पे जाओगे? नहीं, दो है, दूसरा कहाँ है? बैठो जरा, मैं देखूँ, दूसरी स्टार्ट करो। देखो भाई पाकिस्तानी कैसे बैठते हैं, जुगाड़ी। एक दो तीन चार, ये 125 है, गधा गाड़ी है। ओके अल्लाह, चलते हैं भाई। ठीक है, राइड मिल गई, निकलते हैं अभी यार। तो भाई ये राइड भी हम ड्रॉप कर चुके हैं और इनसे जो पैसे मिले भाई वो मिले हैं 1200 रुपये। ये पड़े यहीं पे रख दिए थे मैंने, ये तो चेंज कराया था मैंने, ये 1200 रुपये इनसे मिले हैं भाई। ठीक है, तो अभी का सीन ऐसा है, राइड ढूंढते हैं, कोई अच्छी राइड मिले लेके निकलते हैं फिर। ठीक है ना, यहाँ से राइड मिल जाए बस अब कोई अच्छी, तो फिर लेके इंशाल्लाह निकलते हैं। और जो सीन रहता है वो मैं आपको बताता हूँ भाई। 2 बजने वाले हैं, देख रहे हो, 1:45 हो रहे हैं। तो चलो भाई देखते हैं भाइयों क्या सीन है। ये दोस्तों में 2-3 घंटे ज़ाया हो जाते हैं ना, तो काम फिर करने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो टूट जाता है ना, फ्लो टूट जाता है काम का जब फ्लो टूटता है फिर मज़ा नहीं आता। खैर देखते हैं, अभी अच्छी राइड ढूंढते हैं फिर निकलते हैं। यहाँ से जो है अभी मैंने राइड पिक की, वो सामने भाई खड़े में वो है भाई, उन्होंने बोला भाई आना जाना कर लो, बुकिंग में चले जाओ, तो बुकिंग की राइड है, आना जाना करेंगे। वैसे इनका फेयर है 600 रुपये का, लेकिन इन्होंने बोला भाई आने जाने के 1500 रुपये दे दूंगा, तो आना जाना कर लो आप। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, आना जाना कर लेते हैं, मसला नहीं है, दे देना 1500। कोई ज़्यादा लंबी राइड भी नहीं है, मेरे ख्याल से कोई 9-1 किलोमीटर की राइड है, मतलब आना जाना 18 किलोमीटर बन रहा है, तो ठीक है, अच्छी राइड है, बुरी नहीं है, आना जाना करेंगे। भाई गए अभी पान वान लेने अपने लिए, जो खाते हैं भाई, बोल रहे हैं 2 मिनट रुको कुछ खा पी लें फिर निकलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, जैसे आपको ठीक लगे, अभी चलते हैं भाई, कैन ड्रॉप देते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं, जो नेक्स्ट राइड मिलेगी वो बताएंगे। राइड को जो है भाई मैंने ड्रॉप कर दिया है और अभी राइड ढूंढ रहा हूँ, लेकिन राइड नहीं मिल रही यार यहाँ से रिटर्न की। ये देखो अभी नॉर्थ कराची की साइड पर खड़ा हूँ, रिटर्न की राइड ही नहीं मिल रही, राइड्स हैं ही नहीं, ये देखो बिल्कुल भी नहीं। अभी थोड़ा आगे जाएंगे। वैसे कराची वालों का देखना है भाई कैसे पूरी रात जागते हैं और पूरा दिन सोते हैं। ये देखो रात के करीब 4 बजने वाले हैं और ये देखो पट्टी चल रही है यहाँ पर, पट्टी खेल रहे हैं सारे, कैसा क्रेज़ है यार इनमें भी, देख रहे हो। कल संडे है ना, तो सब सोए रहेंगे पूरा दिन, तो अभी खेल रहे हैं इसलिए सब। ऐसे आम दिनों में भी यही रूटीन होती है इन लोगों की। लगता है यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है और बड़ा टाइट वाला हुआ है, क्योंकि देख रहे हो ट्रैफिक जैम है और यहाँ पर इससे ऑयल भी लीक हो रहा है, इस टैंक से ऑयल लीक हो रहा है, ऑयल है पानी है पता नहीं लग रहा अभी कुछ, लेकिन एक्सीडेंट लग रहा है भाई, फुल टायर अला हुआ है। निकलते हैं अभी, देखते हैं, अगर देखा तो दिखाता हूँ आप लोगों को भी मैं। हाँ भाई बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है यार, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी का क्या हाल हुआ होगा, बड़ी गाड़ी का जब यह हाल है। पुलिस भी आई हुई है, देख रहे हो, ये देखो पुलिस भी आई हुई है, मतलब एक्सीडेंट टाइट हुआ है तगड़ा। ये तो ऑयल टैंकर लग रहा है मुझे, तो पता नहीं कौन सा टैंकर है भाई, कुछ पता नहीं है, देखते हैं। ओह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह, गाड़ी पूरी ख़त्म हो चुकी है भाई, अल्लाह। लोग खड़े में वरना अच्छे से दिखाते, सीटी है भाई, सीटी वीटी कोई गाड़ी है, आया हुआ देख रहे हो उठाने के लिए। अभी यहाँ इनके बंदे आ गए हैं लगता है, ये यहाँ साइड पे लगा के देखने जा सकते हैं। वैसे हम गाड़ी की हालत चेक करो भाई, ओवर स्पीडिंग कर रहे थे देखो। फाइनली भाई अपनी मंजिल पे जो है मैं पहुँच चुका हूँ, वापसी में यार फुल खाली आया हूँ, क्योंकि यार सुबह के 5 बजे के टाइम कोई राइड ही नहीं लगती, 4 बजे से मैं इंतज़ार कर रहा था, 3:30-4 बजे से कोई राइड नहीं मिली यार 1.5 घंटे में, हैरत की बात है। और जो आ रही थी वो आ रही थी 12 किलोमीटर से 13 किलोमीटर दूर दूर से पिक करने की, और वो और दूर ले जाने की थी, तो फिर सोचा खाली ही आते हैं। ये 3-4 घंटे जो मेन ज़ाया करता हूँ ना मैं, 9 बजे से लेकर 12 बजे या 8 बजे से लेकर 12 बजे तक के, ये होते हैं मेन काम के घंटे, तो ये मैं ज़ाया कर देता हूँ दोस्तों यारों में बैठ के। अगर इस टाइम पर बंदा सिंसियरली काम करे ना, तो अच्छी सेल निकाल सकते हैं इन 4 घंटों में, क्योंकि इस टाइम पे फैमिलीज मार्केट जा रही होती है, पार्क्स जा रही होती है, बहुत सारी जगहों पे हॉस्पिटल्स जा रही होती हैं, तो अच्छा पीक टाइम होता है। अभी मेरे को ये चीज़ थोड़ी सी क्लिक हुई कि मुझे बैठना चाहिए दोस्तों में, तो 11-12 बजे के बाद ही, क्योंकि
क्योंकि उसके बाद काम ठंडा हो जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है। एक बजे के बाद तो बिल्कुल स्लो हो जाता है काम। 5 बजे निकला था मैं और अभी देख रहे हो सुबह के 5:30 बजने वाले, मैं वापस आ गया हूँ। 12 घंटे तो हो चुके हैं, लेकिन 12 घंटे में से काम मैंने टोटल 7 घंटे किए, 7 भी नहीं, मुश्किल से 6-7 घंटे, हाँ 7 घंटे सही बोलो तो, क्योंकि मैं 8 बजे चला गया था वहाँ पर, 8-9 बजे हसनैन वालों के पास, और उसके बाद मैं वहीं बैठा रहा रात 12:30-1 तक। तो देखो इस तरह तो नहीं होता ना फिर काम। अभी मैंने ये चीज़ नोटिस की कि वो जो होते हैं पी कार्स होते हैं उसमें काम अच्छा होता है। तो ये सीन है भाई, अभी बताता हूँ कि कितना कमाया आज इन 6-7 घंटों में जो सिंसियरली हमने काम किए उनमें, और क्या क्या कितना फ्यूल लगा, कितनी गाड़ी चली, वो सब बताता हूँ। बाकी ये रहा भाई आज की कमाई सारी, ठीक है, ये कोई 6,000 के करीब है, 6,000 ये हैं और बाकी 600 रुपये जो है अकाउंट में भेजे थे एक राइड वो थी, 6,600 का काम लगभग हुआ है इसमें से। अभी हम कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं आपके सामने क्या क्या लगा है कि 6,600 का टोटल काम हुआ है टोटल। तो इतना सही काम किया है भाई आज तुम्हारे भाई ने, इसमें से हम माइनस करते हैं लगभग 1,800 का फ्यूल लगा है मेरा, ठीक है, और इसमें से माइनस करते हैं 800 रुपये आईडी पे लगे, तो 4,000 रुपये की बचत आई है भाई। ये 4,000 रुपये जो है हमें आज बचे। अभी मैं बता देता हूँ आपको कि गाड़ी टोटल कितनी चली है, और फ्यूल अभी भी पड़ा हुआ है, जो मैंने 2,000 का डलवाया था उसमें अभी भी फ्यूल बचा हुआ है, वो भी दिखा देता हूँ। टोटल चली है 164 किलोमीटर, ठीक है, और 2 सेल अभी भी बाकी हैं। जब मैंने डलवाया था तब रिजर्व पे थी गाड़ी, फ्यूल लाइट जल चुकी थी लेकिन अभी नहीं जली अभी तक। अभी भी ये रेंज देगी हमें 18-18.5 की एवरेज दे रही है, ठीक है, 19 तक भी गई थी, अभी 18.5 शो हो रही है, ठीक है, अभी 44 की रेंज दिखा रही है, मतलब 30 के बाद लाइट जल जाएगी। 12-15 किलोमीटर अभी मजीद चलेगी है, उसके बाद लाइट जलेगी फ्यूल की, ठीक है, और 164 की रेंज बता रही है और 19 की एवरेज भी दी है इसने आज मुझे, क्योंकि साफ सुथरे रूट थे जब मैं शारा फैसल वगैरह पे जा रहा था, तो 19 तक की एवरेज इसने खींची आज। 14 के अलॉय व्हील्स पे 19 की एवरेज बुरी नहीं है मेरे हिसाब से ऑल्टो के लिए, और विद एसी, क्योंकि मैं ज़्यादातर राइडें जो है विद एसी पिक करता हूँ और अपनी मर्जी की राइडें पिक करता हूँ। ऐसा नहीं है कि काम नहीं था, बहुत स्लो था, स्लो तो था काम, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं बहुत चूजी बंदा हूँ भाई, मैं राइड चूज़ करके पिक करता हूँ, जो मुझे सही लगती है मैं वो पिक करता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो सामने आई बस पिक करी और निकल गए, मैं बहुत पिक करके निकलता हूँ, जो रूट मुझे साफ लगते हैं या जो रूट मुझे सही समझ में आते हैं मैं उन पे निकलता हूँ ज़्यादा, ठीक है ना। और रूट्स के बारे में अगर मालूमात चाहिए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, किस रूट पे काम करना चाहिए और किस पे नहीं वो भी बताऊंगा। अपनी भी कोई राय देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिलहाल का सीन ऐसा है भाई, ये था कुछ काम, 4,000 रुपये की बचत आई जो कि बुरी नहीं है। उम्मीद है आप सबको काम पसंद आया होगा और व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दो यार, उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो यार जिनके पास गाड़ी खड़ी हुई है अपनी, पार्ट टाइम में कोई काम करना चाहते हैं, तो मेरे नज़र में इससे बेहतर पार्ट टाइम के लिए कोई काम नहीं है भाई। वजह यह है इसमें आप अपने खुद के बॉस होते हो, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता, जब दिल करा राइडे उठाई, जब दिल करा बंद करके दोस्तों में बैठ गए, जब दिल करा जहां जाने का दिल करा चले गए। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाला कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। मिलता हूं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दो इजाजत, अल्लाह हाफिज।